अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं शौकत हूँ, मैं हूं शौकत, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। तो फिर ज़्यादा बिल्कुल ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं किया स्टोनिक के बारे में। आज हमारे पास ये गाड़ी आई है और इस गाड़ी का जो है कूलिंग कॉइल जो है, जिसे हम एवेपोरेटर कहते हैं, वो इसका लीक है। तो आज हम इसका रिप्लेस करेंगे और आज आपको इसका तरीकेकार बताएंगे कि इसको हम कैसे रिप्लेस करते हैं और इसमें कूलिंग कॉइल कौन सा लगाते हैं और इसमें कंप्रेसर ऑयल कौन सा चार्ज होता है। अच्छा, इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड की है उसमें हम कूलिंग कॉइल ऑल्ट्रेशन करके लगाते थे, क्योंकि उस टाइम पे जो है पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल ओरिजिनल कॉइल नहीं था। अभी जो है हमारे पास ओरिजिनल कूलिंग कॉइल अवेलेबल है और अब जो है हम इस गाड़ी के अंदर ये कूलिंग कॉइल इंस्टॉल करेंगे और इसका पूरा तरीकेकार जो है आपको बताएंगे। तो चलिए आपको आगे दिखाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि देखें, जब भी आपकी गाड़ी में किसी भी गाड़ी में कोई लीकेज का मसला होता है, जब गैस का, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जितनी भी लाइनें जा रही होती हैं, जैसे कि ये सेक्शन लाइन है, डिस्चार्ज लाइन है, लिक्विड लाइन है, या ये कंडेंसर हो गया, जहाँ भी लीकेज होगी वहाँ पे ऑयल का निशान आ जाएगा, जहाँ भी लीकेज होगी। तो अभी हमने बाहर से तो प्रेशर डाल के चेक कर लिया, बाहर से लीकेज नहीं है। अब हम इसका डैशबोर्ड खोलेंगे और डैशबोर्ड भी ऐसे खोलेंगे कि इसका सिर्फ स्टेयरिंग नीचे करेंगे, साइडों से बोल्ट खोलेंगे और सेंटर का कंसोल खोलेंगे, पूरा डैशबोर्ड बाहर निकालेंगे। अच्छा, एक एक पुर्जा हम नहीं खोलेंगे, क्योंकि आपकी आपकी जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं उनके जितने भी डैशबोर्ड के अंदर के जितने भी चीज़ें लगी हुई हैं वो सारी क्लिप के ऊपर है। अगर हम वो जितना एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा खोलेंगे तो अगर उसके अंदर आवाज़ आ गई तो आवाज़ बंद नहीं होगी। तो हम इसलिए इसका पूरा डैशबोर्ड खोलेंगे और नीचे से कॉइल निकाल के इसका लगाएंगे। तो चले मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो ये देखें, अच्छा इसका डैशबोर्ड खोलना आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमने ये इसका कंसोल बॉक्स खोलना है, ठीक है, ये कंसोल बॉक्स खोलेंगे। उसके बाद हम इसके ये साइड के कवर खोलेंगे, ये वाले। ये खोलने के बाद हम इसका स्टीयरिंग नीचे करेंगे। स्टीयरिंग नीचे करने के बाद हम इस पूरे डैशबोर्ड को बाहर निकालेंगे। इसका ये हम इसका जो है ये पैनल हो गया, ये ग्रिल्स हो गई, या ये सारी मीटर हो गया, ये चीज़ें हम इसके नहीं खोलेंगे, क्योंकि हम अगर इन चीज़ों को खोलेंगे, ये प्लास्टिक के क्लिप हैं इसके अंदर, और वो क्लिप लूज़ हो जाएंगे, तो फिर उसमें क्या होगा कि आपकी आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी। तो चले अब इंशाल्लाह इसको हम खोलते हैं तो फिर दिखाते हैं आपको। सबसे पहले जो है आपने ये सेंटर वाला जो कंसोल बॉक्स होता है आपने इसको निकालना है और उसके बाद आपने साइडों के बोल्ट खोलने हैं। तो चले आपको ये देखें, आपके पास सबसे पहले तो ये डैशबोर्ड खोलने वाला जो है ये टूल्स होना चाहिए। ये देखें, ये इस तरह से बहुत ईजी होता है इससे डैशबोर्ड खोलना, जो कि इससे क्लिप नहीं टूटते हैं। अच्छा, अब ये वाले जो कवर है ये आपने छोटे छोटे, ये देखें ये क्लिप हैं, ये क्लिप आपने नीचे से दबा के इसको ऊपर से ये निकाल लेना है, और ये जो कवर है आपने फिर इस तरह से नीचे से ये दबाना है और ये आपका जो सेंटर कंसोल बॉक्स का है वो ऐसे बाहर आ जाएगा। और ये देखिए, इसके नीचे के ये ग्रिप हैं, ये आपने ग्रिप निकालना है। और उसके बाद जो ये देखें, ये यूएसबी पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट का ये ग्रिप निकालना है। ये आपका उसके साथ जो है ये चार्जर पोर्ट का ग्रिप है, वो भी आपने निकालना है। ये देखें, ये यूएसबी पोर्ट है ये वाला, ये दो तरफ से दबाएंगे तो ये इसीलिए इजीली बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंसोल बॉक्स के जो है 10 के दो बोल्ट होते हैं बीच में, जो अंदर आप जिसमें सामान रखते हैं वो आपने खोलना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने ये छोटी छोटी दो पट्टियाँ होती हैं, आपने इनको खोलना है, जो कि सेंटर वाले कंसोल के लिए वाइब्रेशन को ये ख़त्म करती हैं, तो इनको संभाल के रखना है, ये आपसे आगे पीछे ना हो जाएं। तो ये देखें, ये दो 10 के दो बोल्ट होते हैं, ये खोलने हैं। ये खोलने के बाद आपका जो कंसोल है वो पूरा इजीली बाहर आ जाएगा और आप फिर आसानी से इसका डैशबोर्ड खोल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखें, ये हमारा कंसोल बॉक्स जो सेंटर वाला है ये कितने ईजीली जो है आसानी से बाहर आ गया है ये हमारा। उसके बाद जो है आपने ये गियर की जो वायरिंग के जो क्लिप होते हैं ये आपने निकालने हैं, और उसके बाद आपने ये 12 के इसके 4 बोल्ट होंगे, वो बोल्ट खोलने के बाद आपने ये पूरा यहाँ से हटा देना है, ताकि आप जब डैशबोर्ड बाहर निकालें किसी चीज़ को एक तो डैमेज ना हो और आप आसानी से इसका डैशबोर्ड बाहर निकाल लें, ठीक है। तो ये देखें, ये हमने इसका जो है लीवर निकाल दिया और लीवर निकालने के बाद हम इसका जो गियर है वो हटा देंगे। अब आती है हमारी बारी जो है साइड पिलर की। अच्छा, साइड पिलर में ये जो कवर लगे हुए होते हैं, एक तो ये 4 मुंह के स्क्रू से आप निकाल के इसको लॉक को निकाल के निकाल सकते हैं, या तो इसका जो बारीक क्लिप होते हैं एक ऊपर से दबाना पड़ता है और नीचे से दबाना पड़ता है, आप वो दबा के भी ईजिली निकाल सकते हैं। तो ये देखें, अच्छा अब ये सब खोलने के बाद जो है आपने ग्रिप्स निकालने हैं इसके, जो वायरिंग के लेफ्ट और राइट की तरफ दोनों तरफ जो ग्रिप होते हैं वो आपने पूरे प्रॉपरली सारे ग्रिप निकाल लेने हैं।
उसके बाद आपने डैशबोर्ड उठाना है। अगर आपने कोई ग्रिप रह गया तो जब आप डैशबोर्ड उठाएंगे तो वो भी ये हो सकता है कि शायद आपका वो ग्रिप टूट गया, तो ये आपने एहतियात करना है। अच्छा, साइड कवर जो है ये आपने इस तरह से निकालने हैं, और आपके पास ये जो साइड कवर खोलने वाले जो हैं ये टूल्स होना लाजमी है। इससे क्या है कि आपकी जो ये कवर हैं ये टूटते नहीं हैं, इनके क्लिप कोई नहीं टूटते हैं, इससे ये आसानी होती है। तो ये यूज़ करके ये देखें, ये 12 के बोल्ट हैं, ये 12 के बोल्ट आपने खोलने हैं, और उसके बाद आपने लेफ़्ट राइट दोनों के साइड के खोलने हैं। ठीक है, अब हमारी बारी आती है स्टीयरिंग साइड की। अब ये देखें, स्टीयरिंग के साइड का ये हमने कवर निकाला। ये कवर निकालने के बाद जो है हम इसके जो स्टीयरिंग के ऊपर नीचे के जो कवर होते हैं वो कवर खोलेंगे, क्योंकि उसके बाद ही इसके 12 के बोल्ट खुलेंगे, वरना आपका स्टीयरिंग के जो बोल्ट हैं 12 के वो नहीं खुल पाएंगे और आपका इजीली हाथ चल जाएगा और आपका आसानी से डैशबोर्ड बाहर आएगा। ये देखें, हमने ये नीचे का कवर खोला, नीचे एक इसका कट स्क्रू होता है और उसके ऊपर की तरफ भी दो कट स्क्रू होते हैं। ये आपने तीन कट स्क्रू इस कवर के खोलने हैं। ये तीन कट स्क्रू खोलने के बाद आपने फिर इसके 12 के बोल्ट खोल के इसको स्टीयरिंग को नीचे कर देना है, तो आपका आसानी से जो है ये स्टीयरिंग जो है वो खुल जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये बहुत इजी है खोलना। उसके बाद जो आपने ये पट्टी खोलनी है, पट्टी के जो है ऊपर की तरफ दो 10 के नट हैं और नीचे की तरफ जो है एक 12 का बोल्ट है, ये आपने खोल लेनी है। और उसके साथ ये इसके कवर होते हैं एयर वाले, वो आपने पहले ही निकाल लेने हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये बहुत इजी है खोलना। और जिस भाई को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा MS Autos चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके, आपके नॉलेज में और इजाफा हो सके। अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार करें ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियोज़ ला सकें। तो फ्रेंड्स, अभी जो है हम इसकी ड्राइवर साइड वाली जितनी भी वायरिंग है वो सारी निकालेंगे, फिर उसके बाद हम डैशबोर्ड उठाएँगे ताकि हमारी जो वायरिंग है कोई खींचे नहीं और कोई क्लिप ना टूटे। सबसे आसान और सबसे अच्छी गाड़ी वो है जिसका पूरा डैशबोर्ड आ जाए, या तो जिसका डैशबोर्ड ही ना खोलना पड़े। जिसका एक एक पुर्जा खोलना पड़ता है वो तो काम करने वाले के लिए भी मुश्किल है, और जिसकी गाड़ी है उसके लिए भी बड़ा मसला है, क्योंकि देखें इनके अंदर होते हैं प्लास्टिक के क्लिप। ठीक है, अब जाहिर है अगर जितना भी अच्छा कारीगर हो वो जितने भी तरीके से निकाले, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीसरी दफ़ा जब गाड़ी खुलेगी तो ऑलरेडी उसमें कुछ ना कुछ साउंड पैदा होगा। ठीक है, तो ये इनकी अच्छी है कि इन्होंने डैशबोर्ड जो है पूरा निकालने का इसमें ऑप्शन दिया है, बहुत अच्छा दिया है इन्होंने। लेकिन यह है कि मटेरियल इनको अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो कस्टमर्स है उसको कम से कम 4 से 5 साल तक तो गाड़ी के अंदर कोई काम नहीं कराना चाहिए। नई गाड़ी की तरफ बंदा इसलिए जाता है ताकि मेरे ये जो टाइम है ये मेरा बचे, और मैं ज़्यादातर जो है गैरेजेस की तरफ या काम की तरफ किसी कंपनी की तरफ मैं कोई भी काम कराने के लिए मैं ना जाऊं। तो इसलिए लोग ज़्यादातर जो है नई गाड़ी की तरफ जाते हैं। तो ये देखें, उसके बाद आपने जब स्टीयरिंग की पूरी चीज़ें सारी खोल लेनी हैं, उसके बाद आपने बाहर का जो है वाइपर जो है वो आपने खोलना है, वाइपर का जो कवर होता है आपने वो खोलना है। वो खोलने के बाद आपने इसके वाइपर की मोटर खोलनी है। मोटर के पीछे की तरफ जो है दो 12 के बोल्ट लगे हुए होते हैं ये वाले, जब तक आप ये नहीं खोलेंगे तब तक आपका डैशबोर्ड बाहर नहीं आ पाएगा। ये देखें, ये दो बोल्ट हैं, सिर्फ दो बोल्ट की वजह से हमें बाहर से ये खोलना पड़ता है। उसके बाद आपने इसके हीटर के पाइप निकालने हैं। हीटर के पाइप निकालने के बाद आपने इसके लाइनें खोलनी हैं, वॉल वाले जो दो 10 के बोल्ट लगे हुए हैं आपने ये खोलने हैं। ये खोलने के बाद फिर आपका डैशबोर्ड इजीली बाहर आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जिस भाई ने हमसे रابطہ करना है वो गूगल क्रोम पे जाके सर्च करें MS Autos के नाम से, आपको हमारी लोकेशन व्हाट्सअप नंबर जो है आपको वहाँ से हमारा मिल जाएगा। ठीक है, जिस भाई ने आना है तो प्लीज़ आप एक दिन हमें पहले इन्फॉर्म करें ताकि आपका काम अच्छा हो सके और आपको हम टाइम दे सकें। तो ये देखें, तो फ्रेंड्स अच्छा, हमारी शॉप जो है वो शिफ्ट हो चुकी है तारिक रोड से, जो हम आ चुके हैं अभी ये खुदादाद कॉलोनी की तरफ है, और आप गूगल पे सर्च करेंगे MS Autos के नाम से तो आपको जो एग्जैक्ट लोकेशन है हमारी यहाँ पर खुदादाद जैकअप लाइन की लोकेशन आएगी, तो आपने यहाँ पर आना है। तो ये देखें फ्रेंड्स, अभी जो है हमारा डैशबोर्ड लूज़ हो गया। ये देखें कितने इजीली और प्यार से डैशबोर्ड उठ गया है। ये देखें, बहुत ही इजीली और आसान है इसका डैशबोर्ड खोलना।
बस आपको इसका मालूम होना चाहिए कि इसका डैशबोर्ड कैसे खुलेगा। तो ये देखें, अच्छा ये वीडियोस मेरा बनाने का मकसद ये है कि जो हमारे जो भाई हमें फॉलो करते हैं, जो हमारे भाई एसी का काम करते हैं और जो जिनकी गाड़ी हैं जो हमें फॉलो करते हैं, ये हम उनकी मोहब्बत की वजह से हम अभी तक ये वीडियोस बना रहे हैं और उनके लिए इंशाल्लाह आगे भी बनाएंगे। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसान है और इसका डैशबोर्ड निकालना ये देखें बहुत ही ईजीली है इसका डैशबोर्ड खोलना। तो अब ये देखें हमारा डैशबोर्ड जो है बाहर आ चुका है और इस तरह से ये देखें पीछे ये पूरा हीटर बॉक्स लगा हुआ है। अच्छा हीटर बॉक्स खोलने के बाद जो है आपने उसको डैशबोर्ड को लिटाना है, तो उसके पीछे सिर्फ आपने जस्ट ये एक नीचे से कवर खोलना है ब्लैक कलर का और इसके 4 से 3 कट स्क्रू हैं, ये कट स्क्रू खोलने और उसके बाद आपका ये कवर खुलेगा, इसका कूलिंग कॉइल, तब आपका ये बाहर आएगा। तो डैशबोर्ड पूरा अलग अलग पुर्जे में खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपने पूरा निकालना है और इस तरह से ये कवर खोल के आपने कूलिंग कॉइल इसका निकालना है। ये देखें ये इसका कूलिंग कॉइल बाहर आ गया है, ये देखें किया स्टोनिक का ये कूलिंग कॉइल लीक है, जहाँ पे ऑयल का डॉट आ गया वो 100% वो पार्ट लीक है क्योंकि गैस के साथ ऑयल भी सर्कुलेशन करता है। तो ये देखें ये इसके अंदर कूलिंग कॉइल हम इंस्टॉल कर रहे हैं, ये डुओन का कूलिंग कॉइल है, मेड इन कोरिया डुओन इसका कूलिंग कॉइल कंपनी का है और हम इसके अंदर जो है ओरिजिनल इंस्टॉल कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने स्टोनिक की जो वीडियो है अपलोड की थी, जब लेटेस्ट शुरू में जब ये गाड़ी आई थी तब इसका कॉइल नहीं था, तो हमने लोकली ऑल्ट्रेशन करके लगाया था। अब ये देखें ये इसका जेन्युइन कॉइल है, हमारे पास अभी अवेलेबल है, जिस भाई ने भी लगवाना है वो हमसे रब्ता कर सकता है। जेन्युइन इसका ओरिजिनल कूलिंग कॉइल हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। ये देखें जो जेन्युइन की कूलिंग होती है वो आप चाइना से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन चाइना के अंदर भी अभी बहुत सी अच्छी मटेरियल की चीज़ें आ चुकी हैं। तो जब भी आपने कोई सा भी कूलिंग कॉइल लगाना है तो एक कोटिंग कर लेनी है लेकर की, ताकि आपकी कूलिंग कॉइल की थोड़ी सी लाइफ बढ़ सके और नमी की वजह से है आपका कूलिंग कॉइल जल्दी लीक ना हो। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कूलिंग कॉइल जो है इस टाइम पे इंस्टॉल हो चुकी है। ये देखें बहुत आसान है, कितना आसान है ये देखें, हमने पूरा डैशबोर्ड निकाला, सिर्फ नीचे से कवर निकालना है और लगा देना है। स्पोर्टेज का भी इसी तरह से खुलता है, टक्सन का भी इसी तरह से खुलता है, आप सिविक का भी इस तरह से खोल सकते हैं डैशबोर्ड और बहुत आसान है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कूलिंग कॉइल लगाने के बाद जो है आपने ये इसका जो कवर आपने खोलना है वो कवर लगाना है, कवर लगाने के बाद इसके स्क्रू लगाने हैं, फिर उसके बाद आपने डैशबोर्ड को गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करना है। ये सबसे अच्छी बात है इस गाड़ी में कि हमें इसका डैशबोर्ड पुर्जे में नहीं खोलना पड़ा। तो ये देखें ये अभी हमने पूरा डैशबोर्ड उठाया हुआ है, अगर इसको एक एक पुर्जे में खोलते तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसके अंदर साउंड होता, लेकिन अच्छी बात यह कि हमें पूरा डैशबोर्ड निकालना पड़ा है और इसमें एक एक पुर्जा नहीं खोलना पड़ा। गाड़ी वाले के लिए भी फ़ायदा है और काम करने वाले के लिए भी फ़ायदेमंद है। ये देखें बहुत ही इजीली डैशबोर्ड लग गया है हमारा, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले फ्रेंड्स अभी जो है हम आपको आगे की तरफ दिखाते हैं। बाहर लाइनिंग देखे सर, सही है, एक मिनट वेट करते हैं, इसको घुमा बस। अरे अंदर बैठाइए लॉक में,
तो चलिए फ्रेंड्स, अभी जो है हमारे कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है अंदर से भी और अब बाहर से भी। अब इसके अंदर हम प्रेशर थोड़ा सा डालेंगे, जो जॉइंट हमने खोले हैं कहीं वो लीक तो नहीं है वो चेक करेंगे, वैक्यूम करेंगे, उसके बाद हम इसमें गैस चार्ज करेंगे। तो ये देखिए अभी हमारी गाड़ी जो है रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह से फिटिंग बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए VIP इसकी फिटिंग हो गई है, देखें पूरी प्रॉपरली हर जगह हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे बैठ गई है और रेडी है गाड़ी। ये देखें माशाल्लाह से कूलिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त कर रही है। ये देखें चारों ग्रिलों में प्रॉपरली कूलिंग है। जो चाइना की कूलिंग कॉइल डालते हैं उनमें क्या होता है कि दो में ज़्यादा ठंडी होती है और दो में गर्म होती है, तो जो ओरिजिनल कूलिंग कॉइल डालेंगे तो आपको ये चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेंगी। अगर आप अच्छी चीज़ इस्तेमाल करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। चाइना में भी इसकी कूलिंग कॉइलें अच्छी हैं लेकिन बहुत कुछ कम कंपनियाँ हैं जिनका अच्छी प्रोडक्ट है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा MS ऑटोज चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली बर वक्त नोटिफिकेशन के और आपकी नॉलेज में और इजाफा हो सके। अल्लाह हाफिज़।